यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बीजेपी पार्टी की गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंचे। वलसाड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। यूपी के सीएम ने कहा कि अमित शाह यहां आते हैं लेकिन राहुल गांधी इटली भाग जाते हैं, तब उन्होंने गुजरात की याद नहीं आती। राहुल गांधी के अलावा योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर भी वार किया। आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व पीएम के बारे में ये बात फेमस थी कि कोई भी निर्णय लेने से पहले वे नेहरू गांधी फैमिली की तरफ देखा करते थे, यदि वे माना कर देते थे तो पीएम चुप्पी साध लेते थे। योगी आदित्यनाथ ने अमेठी के सांसद और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए कहा कि राहुल गांधी 14 साल में आज तक अमेठी को कलेक्ट्रेट को बिल्डिंग नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 3 पीढ़ियों तक अमेठी में राज किया हो और वहाँ एक कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग भी ना दे पाए हों, ऐसे लोग गुजरात में क्या विकास करेंगे। योगी ने कहा कि जहाँ भी राहुल गांधी अपनी पार्टी के प्रचार के लिए गए हैं वहाँ कांग्रेस की हार तय है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि 41 साल तक इस देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न देने को नहीं सोची। आपको बता दें कि पिछले 22 सालों से गुजरात की सत्ता में काबिज बीजेपी को हालिया दौर में पाटीदार आंदोलन, दलित आंदोलन की वजह से पहली बार कुछ असंतोष का सामना करना पड़ा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उसकी काट के लिए बीजेपी ने फायर ब्रांड हिंदुत्व इमेज के नेता योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए गुजरात चुनाव में उतारने का फैसला किया है। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ ने अवैध भूषण खाने समेत कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनमें उनकी कट्टरवादी हिंदुत्व इमेज से इजाफा हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार 182 विधानसभा सीटों में से कम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। दरअसल 1985 में माधवजी सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी। बीजेपी अब की बार उस रिकॉर्ड को ध्वस्त करना चाहती है, इसलिए विकास के एजेंडे के साथ हिंदुत्व के कार्ड को भी चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की संभावना है।